भारतीय क्रिकेट टीम में अनिल कुंबले द्वारा हेड कोच पद से इस्तीफा देने के बाद खलबली मची है कि किस वजह से उन्होंने ऐसा फैसला लिया। कई संदेहों और साजिशों की चर्चाओं के बाद आखिरकार भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कुंबले के इस्तीफे के बारे में अपने विचार रखे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 23 जून को 5 मैचों की सीरीज के पहले वनडे से पहले मीडिया से बातचीत में कोहली ने परिस्थिति को नियंत्रित करने के सही और गलत तरीके पर अपने विचार रखे। कोहली ने कहा, बिल्कुल अनिल भाई ने अपने विचार प्रकट किए और बाहर होने का फैसला किया, जिसकी हम इज्जत करते हैं। ये ऐसी चीज है जो टूर्नामेंट के बाद हुई। एक बात जरूर है कि चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान मैंने करीब 11 प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की। हमने पिछले 3-4 वर्षों में परंपरा बनाई है कि चेंज रूम में जो भी होगा हम उसे वहीं तक सीमित रखेंगे, भारतीय कप्तान ने आगे कहा। सीमित रखने वाली बात पर पूरी टीम का विश्वास है, हमारे लिए वो ऊंचे दर्जे की बात है। मैंने हमेशा इसकी इज्जत की है और हम इसे आगे भी बरकरार रखेंगे। जैसा मैंने कहा, ये उनका विचार है जी। सखी, मैं इज्जत करता हूँ क्रिकेटर के रूप में, मैं उनकी पूरी इज्जत करता हूँ और उन्होंने देश के लिए जो उपलब्धि हासिल की है उसकी कद्र करता हूँ। जितने वर्ष उन्होंने खेला है उनसे वो पक्ष कोई छीन नहीं सकता और हम सभी उनकी काफी इज्जत करते हैं। कोहली ने ड्रेसिंग रूम की जानकारी साझा नहीं की क्योंकि वो वहाँ की निजता को बरकरार रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा, जैसा कि मैंने पहले कहा, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है ड्रेसिंग रूम की निजता को बरकरार रखना और चेंज रूम में जो भी हो उसे किसी को नहीं बताना। ये ऐसी चीज है कि सार्वजनिक मंच पर मैं विस्तृत रूप से व्यक्त नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने कहा कि उनका दृष्टिकोण बाहर आ चुका है और हम उसकी इज्जत करते हैं। कुंबले ने मंगलवार को भारतीय टीम के हेड कोच पद से इस्तीफा दे दिया था। पिछले कुछ समय से कुंबले और भारतीय कप्तान विराट कोहली के बीच विवाद की स्थिति की खबरें जोर पकड़ी हुई हैं। कुंबले ने अपने इस्तीफे को सार्वजनिक करते हुए बताया कि कोहली उनकी कोचिंग स्टाइल से असहज हैं और दोनों के बीच की साझेदारी ठीक नहीं हो सकती।